नमस्कार। जुकाम, खांसी, गले में दर्द होना, बलगम बनना, ये ऐसी चीजें हैं जो कभी भी किसी भी मौसम में हो जाती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, ये एलर्जी भी हो जाती है, जिस वजह से इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं। कभी कभी सुबह ठीक होते हैं और दोपहर में एकदम से जुकाम हो जाता है और खांसी होने लगती है। आज के समय में क्या करते हैं कि जरा भी खांसी होती है तो बहुत सारे कफ सिरप्स आते हैं, वो एकदम से लेना शुरू कर देते हैं। जल्दी से कोई दवाई ले लो कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन पहले टाइम में ऐसा नहीं था। पहले टाइम में घरेलू नुस्खे बहुत काम करते थे। हमारे दादी के, नानी के, माँ के समय में ऐसे घरेलू नुस्खे होते थे कि वो फटाफट, कोई भी चीज़, उनकी कोई नाप तोल भी नहीं होती थी। चुटकी से हल्दी ली, चुटकी से ये लिया, आधी चम्मच ये डाला, ये चाट लो और एकदम आराम हो जाता था। डॉक्टर के पास जल्दी में जाना नहीं पड़ता था। आज बात करेंगे खांसी की और बलगम की, कि जब हमारे गले में खांसी होती है और बलगम ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ अटक रहा है, कुछ बलगम सा है, बहुत खांसने पर भी नहीं निकलता, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। घरेलू नुस्खे, यानी कि इस चैनल पर आपको मिलेंगे सारे वो घरेलू दादी नानी के नुस्खे जिनसे का कोई नुकसान नहीं है और फायदा ही फायदा है। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ आप बने रहिएगा। आज खांसी जुकाम की बात कर रहे हैं। यदि आपको इस तरह की खांसी है, यानी कि आपको है या बच्चे को भी है, तो उसके हम घर में तुरंत एकदम से ऐसा क्या इलाज करें कि वो खांसी जो है वो ठीक होने के कगार पे आ जाए, जल्दी से डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। देखिए, अदरक सबके घर में होता है, तुलसी का पौधा सबके घर में लगा हुआ है, और शहद तो एक ऐसी चीज है कि सबके किचन में होती है। जितने भी नुस्खे बताए जाएंगे सब किचन से संबंधित बताए जाएंगे, जिसमें आपको बाहर से कोई खर्चा करना नहीं होगा। आपने अदरक का एक टुकड़ा लिया, उसको चाहे अपने कद्दूकस में घिसा, नहीं तो चाहे मिक्सी में डाला, या उसे कूट के कपड़े में बांध के भी उसका रस निकल जाता है। तो 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस और 1 चम्मच शहद, इन तीनों को आप मिला लीजिए। एक कटोरी में आपने 1 चम्मच अदरक का रस डाल दिया, 1 चम्मच आपने तुलसी के पत्तों का रस डाल दिया और 1 चम्मच आपने शहद डाल दिया। उन तीनों को मिलाने के बाद आधी आधी चम्मच 2 से 3 बार दिन में चाट लीजिए। खांसी ऐसे छू हो जाएगी धीरे 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 धीरे। ये चीजें क्या काम करती है मैं आपको बताती हूँ। अदरक, आप जानते हैं कि अदरक हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत सारे गुण अदरक में, और बहुत सारे अदरक के इलाज होते हैं, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगी, आज सिर्फ खांसी की बात कर रहे हैं। तुलसी अपने आप में एक गुणकारी है, तुलसी से बहुत सारी चीजें दूर होती हैं, और शहद जो ताकत भी देता है, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, ताकत देता है, जोश देता है, और चीजों को स्वादिष्ट बनाता है, और उसके अंदर गुणों का भंडार है। इन 3 चीजों को मिलाने के बाद आप उसे आधा आधा चम्मच 2 से 3 बार दिन में चाट लीजिए। खांसी का नामो निशान नहीं रहेगा, धीरे धीरे आप उसको चाटिए। बस शर्त यह है कि जिस समय आप उसको सेवन करें उसका, तो आपको उसके आधे घंटे तक कोई पानी वगैरह नहीं पीना है, कुछ खाना भी नहीं है, कुछ पीना भी नहीं है। आराम से आधी चम्मच लीजिए, आपने उसको चाट लिया सारे को, और शांति से आप बैठिए, लेटिए, कोई काम करिए, कुछ भी करिए, बस कुछ खाना पीना नहीं है। एक और बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ, बहुत आसान नुस्खा है। काली मिर्च आप सब अच्छी तरह जानते हैं, आप सबके घर में काली मिर्च होती है। 6 से 7 काली मिर्च लीजिए, उन्हें कूट लीजिए, उनका पाउडर बना लीजिए। अगर आपके पास पाउडर है तो 1 चुटकी भर पाउडर, चुटकी, 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गाय का घी। इसमें देखिए ऐसा होता है कि शुद्ध घी आप कोई भी आपके घर में, अगर भैंस का है तो नहीं, गाय का घी भी आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। तो गाय का घी ले लीजिए 1 चम्मच, और उसमें वो काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए 1 पिंच, 1 चुटकी बस, और उसको अच्छे से मिला लीजिए। रात को सोने से पहले उसका सेवन कर लीजिए, और अगर रात को सोने से पहले आपने कर लिया और उसको करके आप सो गए, उसके बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है, और अगले दिन भी आप उसका, दिन में या तो आपको ऐसा लगता है कि सुबह सुबह आपको पानी पीने की आदत है या चाय पीने की आदत है, वो कर लीजिए। उसके बाद आपने फिर वही 1 चम्मच जो गाय का घी आपने लिया, गुनगुना कर लिया आपने उसको, और उसमें 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया और उसको आपने ले लिया। काली मिर्च की जो गर्मी होती है ना शरीर में, वो नहीं रहेगी, लेकिन उसकी जो फायदे हैं वो पूरे मिलेंगे। गला यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल साफ होता चला जाएगा, जो बलगम जमा है, जो कफ जमा है, जिसकी वजह से खड़ खड़ की आवाज़ आ रही है, वो दूर होगी और खांसी में आराम होना शुरू हो जाएगा। ये 2 इलाज हैं, 2 में से कोई भी आपके घरेलू नुस्खे हैं, 2 में से जो चीज़ आपको अवेलेबल है वो आप कर लीजिए। दिन में 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही फायदा है। तो ये खांसी और बलगम को आपके एकदम छूमंतर कर देगा। आशा करती हूँ जानकारी आपके लिए निश्चित लाभदायक साबित होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा,
और जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसे भेज दीजिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ।